Hey everyone, welcome back. This is Madhu. और आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो. मुझे क्वेश्चंस आए कि दो तीन जनों के आए कि क्या करें कि बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो. मैंने ऑलरेडी इस पर एक शॉर्ट्स दिया था जिसमें मैंने कुछ एंजल नंबर्स आपको बताए थे, दिमाग तेज़ करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए. उसका मैं लिंक भी ऊपर दे दूंगी एंड एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा. वो एक शॉर्ट्स था, वो आप विजिट कर लेना. उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट का पता है क्या है? हमारा अपना अफर्मेशन. होता क्या ना, मेरा मैं अपनी बेटी की राइटिंग से बहुत परेशान हूँ, पता है. और मैं हमेशा कहती हूँ तुम इतना गंदा क्यों लिखते हो. अब इससे पता है होता क्या है, मतलब हम लोग तो गुरुज हैं तो हमसे भी ऐसी गलतियाँ होती हैं, तो आपसे भी तो होंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस. हम लोग उससे मतलब नेगेटिवली इतना बोलने लगते हैं कि वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगती है. तो यहाँ ना हमें बस अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करना. एडिटेड फॉर सम टाइम, उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट को, मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मैं गलत कह रही हूँ, मैंने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया. हम लोग जब परेशान है कि हमारा बच्चा स्टडी पे फोकस्ड नहीं है, तो यहाँ हमें हमेशा उसे ये कहना है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, जितना अच्छा ध्यान से पढ़ोगे, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम्हें और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. उन्हें अपने सेंटेंसेस को पॉजिटिवली उसे बोलना स्टार्ट कीजिए. खुद भी जब बात कीजिए उन सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कीजिए एंड पॉजिटिवली बोलना स्टार्ट कीजिए. खुद में भी एक इफेक्ट करेगा, ठीक है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे भी ये चेंजेस लाएगा. क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा नेगेटिवली बोलते हैं, मान लो मैं अपनी बेटी की हैंड राइटिंग अगर बात करती हूँ, अब मैं हमेशा ही कहती रहूँगी उसकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ये क्या होगा ना, उसकी खराब हैंड राइटिंग को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा. तो फिर मेहनत तो सारी बेकार हो जाएगी ना. मैं सबकॉन्शियस लेवल को एक तरफ से ये एंजल नंबर्स कहकर बताना चाहती हूँ कि सब अच्छा है, एंड मैं मैनिफेस्ट अगर नेगेटिव स्टेटमेंट देकर कर रही हूँ तो कुछ काम नहीं करेगा. तो हमें ना हमारे स्टेटमेंट्स पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. तो आपको यहाँ नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलिए. आपको जो शिकायत है अपने बेटे की पढ़ाई से, अपने बच्चे की पढ़ाई से, उसे आप अफर्मेशंस बनाइए. उससे जब बात कीजिए, किसी से भी जब बात कीजिए, उसी तरह की अफर्मेशन से ही बात कीजिए. किसी को ये सुन के ना लगे कि हाँ इसका बच्चा नहीं पढ़ता, इसका बच्चा फोकस्ड नहीं है. उसे ये सुन के लगे कि हाँ आप चाहती हैं कि वो और बेहतर ध्यान दे और बेहतर फोकस करे पढ़ने में. तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है एंड साथ में जो एंजल नंबर्स मैंने बताए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए. बट वो तभी काम करेंगे जब आप अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेंगे, ठीक है. उन एंजल नंबर्स को यूज़ करने से पहले आप इंटेंशन सेट कर लें कि आप उससे पर्टिकुलरली क्या चाहती हैं. फाइन, कंसंट्रेशन वाला है तो उसकी कंसंट्रेशन लेवल उसकी स्टडीज में बहुत ही अच्छी है. इस तरह के आप इंटेंशन सेट करके उन नंबर्स को लिखा करें. और एक बार क्या, उन नंबर्स को लिखने से पहले अगर आप इंटेंशन को भी सेट कर दिया करोगे तो वो नंबर्स विद इन फ्यू डेज और ज़्यादा अच्छी तरीके से उस इंटेंशन के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे. सेकेंडली आप ये भी काम कर सकते हैं, अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी इसके अफर्मेशन को इंक्लूड कर लें. माई सन, मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत ही फोकस्ड एंड इंटेलिजेंट है अपनी स्टडीज़ में, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका ब्रेन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है. इस तरह की अच्छी अफर्मेशन भी आप देना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए. उसे वाटर अफर्मेशन में भी आप दे सकते हो, उन्हें जो पानी पिलाते हो ना उनको भी आप, ये बहुत अच्छा काम करेगा. वाटर अफर्मेशन अगर आप दोगे ना तो वो उनके सबकॉन्शियस लेवल पर डायरेक्टली काम करेगा. तो ये धीरे धीरे चेंजेस लाना स्टार्ट करेगा, उनकी फोकस को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना. वाटर अफर्मेशन कभी भी कोई भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल किसी तरह कोई भी इशू है ना, उस पर सबसे पहला काम उस अफर्मेशन को आप वाटर को अफर्म करके देना स्टार्ट कीजिए. ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला तरीका है. आई होप ये जितने मैंने टिप्स बताई आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी. कुछ मुझसे छूट गया या मैं क्लियर नहीं हो पाई आपको कि आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे फिर से कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, नमस्ते. लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दो.